माननीय अध्यक्ष महोदय, एमएसएमई उद्योगों के विकास तथा उद्यमियों व निवेशकों के लिए इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली वातावरण तैयार करने, रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने के उद्देश्य से हमारे द्वारा एमएसएमई एक्ट 2019 लाया गया था। राज्य के सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यमों के उत्थान के लिए नई नीति लाया जाना प्रस्तावित थे। इसके तहत गुणवत्ता नियंत्रण सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग लेबोरेटरीज स्थापना, महिला SC ST उद्यमियों के स्किल अपग्रेडेशन, निर्यात प्रोत्साहन, ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म आदि संबंधी समुचित प्रावधान किए जाएंगे। राज्य में समग्र औद्योगिक विकास, निवेश एवं रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र से वंचित 147 उपखंडों में से वर्ष 2021-22 में प्रथम चरण में 64 उपखंडों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी, जो इस प्रकार है: अलवर में बानसुर, रामगढ़ मालाखेड़ा रैणी, बांसवाड़ा में बागीडोरा, आनंदपुरी छोटी सरवन, बारा में बांगरोल किशनगढ़ अटरू, बाड़मेर में गटरा रोड शिव, बायतू चौटन धोरीबना, भरतपुर में भुसावर रूपवास नगर, भीलवाड़ा में मांडल, बूंदी में केशवराव पाटन नैनवा इंडोली, चित्तौड़गढ़ में बेगू, चूरू में राजगढ़, दूसरा में शिकराय नांगल राजावतान, हाईकोर्ट जिंदाबाद, लालसोट धौलपुर राजाखेड़ा बछेड़ी सरमथुरा, डूंगरपुर सिमलवाड़ा आसपुर गलियाकोट, गंगानगर श्रीकर्णपुर, जयपुर जम्वारामगढ़ विराटनगर, जालोर चित्तलवाना, जैसलमेर पोकरण, झुंझुनू खेतड़ी नवलगढ़ उदयपुर वाटी मछीसर, जोधपुर भोपालगढ़ लोहावट बावड़ी करौली मंडरायल सपोटरा टोडा भीम, कोटा दिगोर सांगोद, नागौर जायल नावा लाडनू, प्रतापगढ़ अरनोद, राजसमंद नाथद्वारा रेलमगरा, सवाईमाधोपुर खंडार, चौथ का बरवाड़ा बोरली मदार डूंगर बामनवास, शिकर लक्ष्मणगढ़ दूध टोंक पिपलू टोडा राय सिंह, उदयपुर खेरवाड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर में खुशीखेड़ा बिवाड़ी निमराना टपुकड़ा व आसपास के नए क्षेत्र शामिल कर मैं नई एवं उन्नत ग्रेटर बिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने की घोषणा करता हूँ। ये टाउनशिप राजस्थान के औद्योगिक परिवेश में एक मील का पत्थर साबित होगी। इसमें आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रथम चरण में 1,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके साथ ही जोधपुर काकानी रोहट पाली मारवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की घोषणा करता हूँ, जिससे मारवाड़ क्षेत्र को डेडिकेटेड रेड कॉरिडोर के तहत आने वाले TMIC के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पर 750 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे, जिसको इसके लिए रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया गया है। बैठे भाई साहब, धन्यवाद। अभी तो आप डिसिप्लिन में हो पार्टी के, इसलिए आप ताली बजा नहीं रहे हो। कमाल करते हैं भाई, कुछ तो ध्यान रखा करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, नवे निवेशकों को आकर्षित करने एवं निवेश संबंधी कार्य ऑन द स्पॉट करने की दृष्टि से आगे वर्ष में देश विदेश में रोड शूट करने के साथ साथ राजस्थान फाउंडेशन के सहयोग से जयपुर में राजस्थान इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान के चार्टर्ड अकाउंटेंट व IT प्रोफेशनल्स अपनी विशेषज्ञ सेवाओं के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर को देश में फिनटेक सिटी के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से मैं फिनटेक पार्क फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने की घोषणा करता हूँ। जोधपुर फार्मा स्वास्थ्य उपकरणों के हब के रूप में उभर रहा है। इसको देखते हुए जोधपुर में 5 करोड़ की लागत से एक बायोटेक फार्मा बिजनेस इंक्यूबेशन रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता देते हुए इंस्पेक्शन राज खत्म करने की दृष्टि से विभिन्न विभागों में अनावश्यक इंस्पेक्शन की प्रथा समाप्त कर कंप्यूटराइज रिस्क एंड बेस्ड एनालिसिस के आधार पर रैंडम रोस्टर के अधिकारियों का चयन कर ही इंस्पेक्शन करने की प्रक्रिया करना प्रस्तावित है। वर्तमान में हैंडलूम क्षेत्र में कार्ड धारक बुनकरों को 1,00,000 रुपए तक के ऋण का ऋण पर ब्याज का 100% पुनर्वन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। अब हैंडलूम के साथ साथ में हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र के दस्तकारों के लिए भी 3,00,000 रुपए तक के ऋण पर 100% ब्याज
राशि सरकार दहन करेगी। उद्योग विभाग द्वारा विपरीत राज्य के दस्तकारों बुनकरों कुटीर उद्योग लघु उद्योग में वर्ष 2000 तक के विभिन्न योजनाओं में बकाया समस्त ऋणों को माफ किया जाएगा। इस पर लगभग 3000 उद्यमी लाभान्वित होंगे। प्रदेश के दस्तकारों बुनकरों द्वारा उत्पादित माल की राज्य स्तर पर मार्केटिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दिल्ली हाट की तर्ज पर जयपुर हाट विकसित किया जाएगा। आधुनिक म्यूजियम की भी स्थापना की जाएगी। साथ ही सीकर के संपूर्ण अपूर्ण रहे सीकर में अपूर्ण रहे अर्बन हाट को आगामी वर्ष में पूर्ण कराने का हाथ कार्य हाथ में दिया जाएगा। प्रदेश के विकास में युवाओं को आगे लाने व उनकी उद्यमिता का विकास करने की दृष्टि से हम प्रदेश में स्टार्टअप को विभिन्न सुविधाएं दे रहे हैं। वर्तमान में आई स्टार्ट कार्यक्रम बड़े शहरों तक सीमित है। राज्य के ग्रामीण युवा दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ साथ इनोवेशन करने की क्षमता को भी समय समय पर प्रदर्शित कर चुका है। अतः आगामी वर्ष में रूरल आई स्टार्ट कार्यक्रम बड़े स्तर पर लागू किया जाना प्रस्तावित है। युवाओं को प्रतिभा दिखाने और स्वरोजगार प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य में रजिस्टर्ड स्टार्टअप को विभिन्न विभागों द्वारा चयनित कार्य हेतु 15 लाख रुपये तक के कार्यादेश बिना टेंडर प्रणाली के दिए जा सकेंगे।